असला एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो बिफोर आई स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोल रही है मुझे मेरा एक ड्रीम है कि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत आगे जाऊं और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोगे ना सपोर्ट इन मुझे पता है आप मुझे ज़रूर सपोर्ट दोगे बिकॉज मेरा जो ड्रीम है वो आपसे जुड़ा है मैं एक टीचर हूँ आप मेरे स्टूडेंट्स हो। मेरा काम है पढ़ाना आपका काम है पढ़ना तो ये ऐसी रिलेशन है तो एक इंसान अगर टीचर अकेला होगा तो टीचर को स्टेटस नहीं मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा जब तक इसमें जो पोटेंशियल है इसमें जो क्रिएटिविटी है इसमें जो कुछ भी है वो किनके अंदर इनकलकेट होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर आई होप इट इज़ क्लियर टू यू तो माई ड्रीम ये कब फुलफिल होगा जब आप हमेशा मुझे साथ दोगे साथ कैसे देंगे मेरे वीडियोस को देखना है मेरे वीडियोस को शेयर करना है मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ इसमें मेरा फायदा है लेकिन हम दोनों का फायदा है बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर राइट माई डियर और एक बात जो हाँ ये तो बातें तो होती रहेगी कि मैं हमेशा आपको कह रहा कह रहा हूँ कि भाई बिफोर वॉचिंग माई वीडियो काइंडली शेयर काइंडली सब्सक्राइब काइंडली लाइक आर गेटिंग माई पॉइंट ये सब बातें हम क्यों बताते हैं आप अक्सर YouTube चैनल्स पे बहुत सारे लेक्चर्स देखते हो तो हर कोई बंदा हर कोई टीचर ऐसा कहता है इसके मतलब पीछे रीजन क्या है रीजन बेटा एक ही है जब वीडियो आप लोग देखते हो तो जब कमेंट आता है ना तो दिल खुश हो जाता है कि वाकई अगर आपका एक सिंपल थैंक यू आपका सिंपल ये कहना कि सर स्टे ब्लेस्ड तो ये दिल खुश हो जाता है कि इंसान को लगता है कि भाई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है तो मैं वक्त निकाल रहा हूँ किन के लिए आपके लिए तो अच्छे काम के लिए अच्छा वक्त होना बहुत ज़रूरी है तो मुझे लगा कि ये वक्त जो है हम कोरोना से मतलब वी आर कॉट इन वेरी बैड सिचुएशंस कॉलेज बंद है स्कूल बंद है बहुत सा ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है देखो मैं मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि मैं कोचिंग क्लासेस लेता हूँ मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं नाइन्थ टेंथ अलेवेंथ ट्वेल्थ पी जी एंट्रेंस तक सारे बच्चे मेरे कोचिंग क्लासेस में आते हैं लेकिन इस साल दो साल क्या हो गया दो साल के अंदर मैंने इतने चेंजेस देखे कि बच्चे के कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर ही नहीं है क्यों नहीं है वजह क्या है हालात की वजह है ठीक है हम अच्छी तरह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते हैं बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करने में ठीक है टीचर्स को क्लास कंडक्ट करने में तो इसीलिए एक बेहतरीन वक्त है कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे स्टूडेंट को फ़ायदा मिले ठीक है तो ये बातें तो होती रहेगी बेटा आपसे हमेशा इंट्रैक्शन तो होती रहेगी तो आई नीड योर सपोर्ट आई नीड योर लव एंड केयर ठीक है बेटा तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर बट बिफोर आई स्टार्ट मोर पॉइंट आई हैव टू शेयर विद यू पीपल मेरे वीडियोज अक्सर ब्लर आते हैं तो क्वालिटी ऑफ द वॉइस थोड़ा ठीक होती है लेकिन वीडियो में प्रॉब्लम हो जाती है इस पर मैं थोड़ा आईस्ता, आईस्ता काम कर रहा हूँ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बढ़िया क्वालिटी वाले वीडियो हम आपको लेकर आएंगे ठीक है ना बेटा तो अभी टाइम लगेगा अभी एक उस लेवल तक मैं नहीं आया हूँ जिस तरह आप यूट्यूबर्स को देखते हो टीचर्स को देखते हो वो कितनी अच्छी तरह से पढ़ाते उनका वीडियो कितना अच्छा आता है खुश हो जाता है इंसान लेकिन जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे तो ब्लर आएगा तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स दो वो स्किप करते हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरा जो स्टैंडर्ड है ये मतलब सेटअप जो मेरा अभी है वो उतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है बट आने वाले दिनों में इनशाला लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपका सपोर्ट है तो आगे आगे आप देखेंगे इनशाला सब कुछ ठीक होगा विद अल्लाज ब्लेसिंग एंड विद योर ब्लेसिंग्स आपकी दुआ अगर हम हमेशा हमारे साथ होगी तो इनशाला सब कुछ ठीक होगा ठीक है ओके माई डियर सो विदाउट एनी डिले लेट टेक अवर टुडेज टॉपिक यस्टरडेज टॉपिक वॉज वुट इज डिस्पैच डिस्पैच so, में हमने बहुत सारे रिकमेंडेशन पढ़े थे मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब याद होंगे लेकिन साथ ही में मैंने आपको कहा था कि कल यानी नेक्स्ट डे हम लिमिटेशन ऑफ द वुड्स डिस्पैच पढ़ेंगे तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आप आराम से देख सकते हैं अगर वीडियो में ब्लर भी होगा लेकिन वॉइस क्वालिटी ठीक है और हाँ बेटा कमेंट में ज़रूर बताएगा कि वीडियो को वीडियो की क्वालिटी अच्छी थी या वॉइस की क्वालिटी अच्छी थी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा ठीक है इससे थोड़ा इंप्रूवमेंट हम करेंगे इनशाला आगे आने वाले जितने भी हमारे वीडियोज़ होंगे उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हम लाएंगे तो वट इज वट इज टूडेज टॉपिक माई डर यू कैन ईजीली क्लियरली सी ऑन द बोर्ड लिमिटेशन ऑफ वुड इज यानी वुड इज डिस्पैच ने बहुत सारे रिकमेंडेशनस दी आपको पता है कि लॉर्ड मैकॉलेज के वक्त मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी कुछ कंट्रोवर्सीज को एंड किया गया लेकिन कुछ कंट्रावर्सीज स्टिल देवर देर एंड इंडियन लिटरेचर को लेकर बहुत बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सीज थी कि भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको संस्कृत माना जाए या इंग्लिश माना जाए तो ये बहुत बड़ा एक इशू था इंडियन एजुकेशन में एंड um, इंडियन एजुकेशन वॉज टोटली नेगलेक्टेड माई डियर एंड इट वॉज चार्लिस ग्रैंड सॉरी चार्लिस वुड तो चार्लिस वुड ने मतलब एज ए चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ये बना तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका डॉग नाम है वुड्स डिस्पैच तो ये डिस्पैच क्यों है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये बताया तो यहां पे कहने की जरूरत नहीं है ठीक है बहुत सारे पॉइंट उसने किए कहे ही एक्स ही रिकॉगनाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर नो डाउट बट देर आर सटल लिमिटेशन एंड मोर ओवर कल मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन आपको बताए कि ही वॉज नॉट अगेंस्ट मैस एजुकेशन इसने कहा कि मैथ्स एजुकेशन मस्ट बी गिवन मच अटेंशन तो जब भी आप मैथ्स एजुकेशन की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा किसको पढ़ाते हैं प्राइमरी एजुकेशन तो प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में आप देखेंगे बहुत सारा रोल होता है लेकिन जो ही आप आगे आगे चले जाते हो तो आपको मतलब यूनिवर्सिटी में सभी बच्चे थोड़ी ना जाते हैं वहाँ पे थोड़ा कट मतलब कम बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो वेन एवर यू से द मैथ एजुकेशन इट इज़ रिलेटेड विद द प्राइमरी एजुकेशन इसी तरह उसने वोकेशनल एजुकेशन पे मुस्लिम एजुकेशन बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए जो मैंने कल आपको अच्छी तरह से समझा है लेकिन अब फिर भी अब क्या लिमिटेशन हैं क्या खराबियाँ रही हैं क्या मतलब कौन से डिफेक्टिव क्या डिफेक्टिव डिफेक्ट क्या था वुडिस डिस्पैच का अगर उसने इतनी सारी अच्छी बातें बताई देखो बेटा बात कहना और उस पर अमल करना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं सपोज मैं आप कहूंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरी ये जुबान है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन जब आप मेरी क्लास में होते हो ना तो मैं आपको अटेंशन नहीं देता हूं मैं उस उस एंगल से आपको नहीं पढ़ा रहा हूं तो कहना एक बात है डॉक्यूमेंट तैयार करना एक बात है उस डॉक्यूमेंट को फिर रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना वो दूसरी बात है आपको समझ आ रहा है ना मेरा बेटा तो वुड इज डिस्पैच ऐसा ही था ये बहुत बड़ा पैराग्राफ था बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था हंड्रेड पैराग्राफ्स तो आप इमेजिन करो एक फुल फर्जी किताब थी तो बहुत कुछ बहुत सारे रिकमेंडेशन वुड इतना बड़ा डॉक्यूमेंट था इसको मेगना काटा यानी इट वॉज द प्रिवलेज फॉर द इंडियन एजुकेशन द डॉक्यूमेंट हैउट इंपॉर्टेंस द कॉर्नर स्टूड ऑफ द इंडियन एजुकेशन इतने सारे एडजेक्टिव इसके साथ जुड़े हैं किसके साथ वुड इज डिस्पैच के साथ बहुत सारी रिकमेंडेशनस थी एटसेट्रा के जो लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज हैज़ बीन रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज को डेप बाई डेवलप करो डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनस कायम करो ग्रांट इन एड दो स्कूल को इंडिजीनियस स्कूल को प्रमोट करो उनको ये ग्रांट्स दो बड़ी बड़ी बातें की लेकिन लास्ट में जब हम देखते हैं ना ये सारी बातें डॉक्यूमेंट के अंदर ही दब के रह गई तो इंप्लीमेंट नहीं किया गया आपको पता है कल मैंने आपको कहा था कि ई ऑफ एजुकेशन वेयर हाईली मतलब रिकॉगनाइज फॉर एज इंडियन थॉट इज कंसर्न तो इंडिया के मुताबिक फेम आ, एम उसको फ्रेम किया गया लेकिन बेटा ये सब कुछ उस डिस्पैच के अंदर रहा तो इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ मैंने अभी कहा कहना एक लिखना एक बात है उसे फिर अमल करना उसको फिर प्रैक्टिकल करना ये दूसरी बात है तो कुछ लिमिटेशन आप आराम से देख सकते हैं मैंने हमेशा आपको कहा कि जब भी आप मेरी क्लास दोगे ना आपका पेन और आपकी कॉपी आपके साथ होनी चाहिए तो जो भी मैं बात कहूंगा देखो ये जरूरी नहीं है मैंने दस पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं लेकिन दस पॉइंट्स के अलावा भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स कह सकता हूं जो मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता एटलीस्ट मेरे मुंह से वो निकलेगी हर कोई शब्द मेरा हर कोई लफ्स इंपॉर्टेंट है बेटा तो लफ्स को कैद करने की कोशिश करो फिर आप देखोगे कि आप कहां पहुंच जाओगे तो टाइम देखो ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको सिंपली यू मस्ट हैव मोबाइल फोन विद यू जस्ट स्पेंड ओनली ट्वेंटी मिनट्स विद योर शायद सर एंड देन सी द डिफरेंस देन सी द डिफरेंस आई गारंटी यू बेटा कि आपको नहीं लगना चाहिए जिस तरह मैं क्लास में पढ़ाता था उससे कहीं ज्यादा मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूं आई होप इट इज क्लियर टू यू बिकॉज इन क्लास रूम देयर आर सम्रिक्शंस आई एम इन होम आई एम एट होम मैं जैसे जब जैसे पढ़ा सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ देर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल बट फॉर देट अगेन आई नीड यूर सपोर्ट तो बहुत मतलब एक वीक हो गया जब मैंने चैनल स्टार्ट की थी तो पहले पहले बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं देख रहे थे लेकिन बिना व्यूज़ थोड़ा कम होते जा रहे हैं मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है शायद चलो एनी वे तो जोक्स पार्ट तो अब हम चलते हैं बेटा वुड इज डिस्पैच के कुछ लिमिटेशन पे रिकमेंडेशन हो गए जितने मैंने रिकमेंडेशन आपको बताया है आपको खाली उतने रिकमेंडेशन याद रखने हैं ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उसी में से इनशाला कल पेपर आएगा आई गारंटी यू पेपर आएगा उसी में से अगर नहीं आएगा फिर आप मुझे कहना कि सर आपने क्या कहा था चलिए तो लिमिटेशन इस क्या है पहला लिमिटेशन डिफेक्टिव एम ऑफ एजुकेशन डिफेक्टिव एम ऑफ एजुकेशन जाहिर सी बात है डिफेक्टिव एम इफेक्टिव एम एंड डिफेक्टिव एम इफेक्टिव एम ऑफ एजुकेशन हम तब कहेंगे जब वुडिस डिस्पैच ने कहा और वो इंप्लीमेंट हो गई लेकिन डिस्पैच पे एक कॉन्सेप्ट था फिर जब इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई उन्होंने वही किया जो इनको करना था तो इट वॉज द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द मिशनरी स्कूल इज माइंड इड तो ये इनडायरेक्टली सपोर्ट मिशनरीज का था लेकिन लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए लोग खुश हुए कि भाई डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा गया है तो ये शायद हमारे लिए ही है तो जो भी एम्स वहां पे है ना एजुकेशन के लिए इंडियन एजुकेशन के लिए वो परफेक्टली सूटेबल नहीं थे किन के लिए इंडियन एजुकेशन के लिए वहां पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जो बिल्कुल फेवरेट फेवर favor करते थे किनको इंग्लिश एजुकेशन को नॉट इंडियन एजुकेशन दैट्स व्हाई माय डियर दिस इज अ डिफेक्टिव एम ऑफ एजुकेशन आई होप इट इज क्लियर टू यू दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू इट क्लियर नंबर सेकेंड डिफेक्टिव पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटीज अभी मैंने क्या कहा कि डिस्पैच हैज रिकमेंडेड थ्री यूनिवर्सिटीज कलका मद्रास एंड मुंबई तीन जगह मैंने बोला था ना इंडिया में पहली बार वुड के कहने पर तीन जगह यूनिवर्सिटीज को बनाया गया बट द पैटर्न ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज टोटली डिफेक्टिव डिफेक्टिव इन वट सेंस दैट इंडियंस के माइंड के मुताबिक नहीं था जिस तरह इंडियंस चाहते थे कि हमारी यूनिवर्सिटीज कैसे होनी चाहिए हमारे स्कूल कैसे होने चाहिए तो वो उसके उस पैटर्न के मुताबिक नहीं था तो वो फिर किनके पैटर्न के मुताबिक लंडन पैटर्न तो वेन इट इज लंडन इट इज अगेन इंग्लिश कंट्रोवर्सी किस थी भाई इंग्लिश को नहीं हम संस्कृत को पर्शियन को अरबी को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखेंगे करिकुलम हमारा होना चाहिए ना कि लंदन का फिर तो ये ऐसी बात है आर्गेटिंग ए पॉइंट ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स और क्या कहते हैं कि न्यू वाइन इन ओल्ड बोटल्स समथिंग ये वही बात हुई तो डिफेक्टिव पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटीज हां पे और एक बात है कि इंडियन एजुकेशन पे स्ट्रस दिया गया लेकिन वहां पे पैटर्न था ना एग्जाम को भाई पास करो एक क्लास से दूसरी क्लास जाओ फिर लास्ट में नौकरी सरकार की नौकरी करो तो एक कॉन्सेप्ट हाउ टू गेन द नॉलेज हाउ टू गेन द इंसाइट ऐसी चीजों को स्ट्रस नहीं दिया गया किस चीज को स्ट्रस दिया गया भाई स्कूल तो क्रॉस करो कॉलेज में जाओ यूनिवर्सिटी में जाओ डिग्री हासिल करो और जॉब में लग जाओ दैट वॉज द एम ऑफ द एजुकेशन ज्यूरिंग वट वर्ड इज डिस्पेयर दैट इज वाई बेटा दियर वॉज द डिफेक्टिव पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटीज एग्जाम पास करना टू रीड द बुक्स टू पास द एग्जामिनेशन एंड हैव ए जॉब दैट वॉज द एम ऑफ द एजुकेशन एट वॉट लेवल यूनिवर्सिटी लेवल तो आपको क्या लगता है कि खाली तीन चीजें जरूरी है तो इंसान का दिमाग शार्प होना चाहिए आपका इंसाइट डेवलप होना चाहिए यह एजुकेशन का मकसद है education doesn't mean that you have the degrees in your hand and you are, you are a jobful person. no, it, 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 it's not the definition of the education. education, education, what means? education means your intellect should get broadened. Yeh din din broad hona chahiye. Educa education is not limited. no, no, education is related with the life. education is related with your character. एंड एजुकेशन इज रिलेटेड विद यलिटी लेकिन ऐसी बातें वुड इज डिस्पैच ने नहीं कही कहा पास द एग्नेशन हैव द डिग्री एंड है जॉब सो दिस पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटीज आप बुक बुक बुक्स पढ़नी चाहिए जे एस वाह एक बुक है बेटा जे एस वालिया की बुक है जे एस वालिया जे एस वालिया बेटा आई 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 रिकमेंड दिस बुक बेटा आई रिकमेंड दिस बुक फॉर यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बुक जे एस वालिया इनफैक्ट जे एस वाले की एक सीरीज़ है फिलोसफिकल फाउंडेशन सोशोलॉजिकल फाउंडेशन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्रॉब्लम इश्यूज़ ऑफ इंडियन एजुकेशन तो ये सारी बुक्स जे एस वालिया ने लिखी है बिल्कुल अच्छे से और ल्यूसड मैनर में आपको ईजीली समझ आएगा एंड इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि मैं यही बुक रिकमेंड करता हूँ आपके लिए भी जो आप हम पढ़ते हैं ना ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं किस बुक से जे एस वालिया से समझ आ गया बेटा तो मैं नोट्स भी बना रहा हूं बेटा अपने नोट्स बना रहा हूं इंशाला जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो वो एक बुक फॉर्मेट में आपको वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इनशाला लेकिन फिलहाल आप इस पर ध्यान दो तो डिफेक्टिव पैटर्न ऑफ द यूनिवर्सिटीज अगेन थर्ड थर्ड डिफेक्टिव पॉइंट क्या था वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टू द इंग्लिश अगेन दे गिव सपोर्ट द इंग्लिश दे रियलाइज्ड दे गिव रिकोगशन टू दिन लिटरेचर बट दे गिफरेंस टू द इंग्लिश तो वही बात होगी, हाँ आपका लिटरेचर सही है लेकिन आपको क्लास में इंग्लिश पढ़ना है।, भाई क्या बात है समझ आया तो ये, ये एक किस्म का ना ये एक किस्म का मतलब ये इट इज कॉल्ड वट वी कॉल्ड एज इसको हम ये भी कह सकते हैं इट वॉज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लाइटेशन भाई क्या माइंड उन्होंने मतलब अप्लाई किया कि भाई लोगों का दिल कैसे जीते एक कागज़ का टुकड़ा लिया उसमें मैंने लिखा कि भाई इंडियन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन लिटरेचर मस्ट बी गिवन इंपॉर्टेंस तो लोग बहुत सारे लोग खुश हो गए तो लोगों ने कहा कि भाई वुड इज़ डिस्पैच ये चार्लिस वुड तो बहुत अच्छा इंसान है यहाँ लॉर्ड डेल उस वक्त के गवर्नर थे तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो इंडिया में थे तो वो उनको फेवर करने लगे सी बात है ना चले तो एमप्रियॉरिटी टू द इंग्लिश दैट वॉज अ मेन डिफेक्टिव ऑफ वुड एम्फेसिज ऑन वेस्टर्न नॉलेज अगेन बेटा देखो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना एजुकेशन मेक्स यू ए कल्चर्ड मैन एंड वेन यू आर सिविलाइज व्हेन यू आर कल्चर्ड देन यू आर एजुकेटेड बेटा वो एजुकेशन ही क्या जो आपको अपने कल्चर से दूर रखेगी भाई अगर मैं एजुकेटेड हूं मैंने अपने कल्चर को छोड़ा है मैंने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है आई एम नॉट ए कल्चर मैन नो आई एम नॉट एन एजुकेटेड मैन अ मैन इज एजुकेटेड ओनली वैन ही इज फर्स्ट कल्चर्ड वैन यू रेस्पेक्ट यूर कल्चर वैन यू प्रमोट यूर कल्चर वैन यू जनरेट यूर कल्चर वैन यू ट्रांसमिट यूर कल्चर वैन यू प्रिजर्व यूर कल्चर वैन यू आर कल्चरली इंटेलेक्चुअल

दैट वॉज द मेन डिफेक्ट दिस पॉइंट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल नो 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 इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंटलेक्चुअल पर्सनलिटी थे जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया दे वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे वेंट अगेंस्ट दैट इज वाई सिटिल यू हैव द रिकॉग्निशन ऑफ योर कल्चर यू हैव द रिकोगशन ऑफ योर कल्चर अदरवाइज अगर ऐसा हो गया होता तो वी यू वी वॉन्ट हैव सच कल्चरल रिकोगशन इज ओके तो ये कुछ ज़्यादा ही हुआ तो मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ना इट इज़ नॉट फॉर पी जी पी जी क्लासेज फॉर पी जी क्लासेज एज वेल अगर वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं तो उनको भी इंशाल्लाह मदद मिलेगा डाउनिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन लैंग्वेज तो ये सारे पॉइंट इसी में आएंगे तो दे हाँ उन्होंने पहले रिकॉग्नाइज किया कि भाई इंडियन लैंग्वेज इज़ गुड दे हैव एक्सेप्टेड इट बट दे हैव नॉट गिवन इट अ वैल्यू जब फिर से अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा तो भाई इंडियन लैंग्वेज किस काम का तो इसका मतलब क्या है डाउनिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड नो रियल वोकेशनल एजुकेशन याद रखना कल मैंने आपको कहा था कि वुडिस डिस्पैच ने रिकमेंड किया था वोकेशनल एजुकेशन को दैट वॉज टोटली फेक इन रियल सेंस देयर वॉज नो देयर वॉज हां बेटा तो इन रियल सेंस देयर वाज नो रियल वोकेशनल एजुकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज़ मैंने आपको कहा कि डॉक्यूमेंट में एक चीज था तो जब रियल सेंस में वो आते थे तो वहां पे वो इंप्लीमेंट नहीं करते थे तो नो रियल वोकेशनल एजुकेशन इट वाज एन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लाइटेशन इंटेलेक्चुअली द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है एंड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द क्रिश्चियन मिशनरीज

जब हम पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन अगर स्कूल में इंस्पेक्टर्स को रखा जाएगा सब इंस्पेक्टर्स को ताकि डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ताकि स्कूल को अच्छी तरह से सुपरवाइज किया जाएगा लेकिन वो डायरेक्टर कौन था सब इंस्पेक्टर कौन था इंस्पेक्टर कौन था वो क्रिश्चन ही थे तो अगेन वो इनडायरेक्टली सभी स्कूल को अपना कंट्रोल में रखना चाहते थे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे दैट इज वाइट इज कॉल्ड मैकेनिकल गवर्नमेंट कंट्रोल तो पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो मैंने कहा था कि बाई डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट शुड बीटर को रखेंगे यही मिशन यही क्रिस्चियन काम करेंगे यही इंडिया इंग्लिश मैन ही काम करेंगे इन बड़े बड़े पोस्ट में तो इससे क्या होगा सारा जितने भी स्कूल प्रॉविंस वहां पर होंगे तो किन का कंट्रोल रहेगा ब्रिटिशर्स का तो

को भी क्या इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया तो इट हैज ऑल्सो बी नेगलेक्टेड तो उसके बाद और एक कमीशन uh, आ गया था दैट वॉज कॉल्ड एज एजु इंडियन एजुकेशन कमीशन एटीन हंड्रेड टू तो खाली किस बात को लेकर कि भाई मास एजुकेशन को नेगलेक्ट किया गया इसलिए और एक कमीशन को बिठाया गया जिसका नाम है हंटर कमीशन ये विलियम हंटर चेयरमैन को रखा गया तो इन ये हम कल पढ़ेंगे आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा अच्छे से समझा होगा बेटा वंस अगेन बेटा आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सपोर्ट यूर शायद सर बाई शेयरिंग माई चैनल बाई लाइकिंग एंड कमेंटिंग राइट माई डियर एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू मे अल्लाह ब्लैस यू मे अल्लाह ब्लेस यू मिलियंस एंड ट्रिलियन टाइम्स एंड प्लीज़ बेटा कीप ऑलवेज लर्निंग थैंक यू Thank you.